तो भाइयों तुम्हें पता ही होगा कि ग्योतारो और टेंजेंट की फाइट कितनी ज्यादा लेजेंडरी और एपिक है। लेकिन तुम्हारे मन में भी ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि टेंजेंट की जगह अगर वहाँ कोई और हशीरा होता तो क्या होता, या फिर अगर करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा ग्योमी होता तो क्या होता। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्यू की, क्योंकि वही हमें सबसे पहले दिखाया गया था। और ग्यू फैंस का वन ऑफ द फेवरेट हशीरा भी है। और जब उसने स्पाइडर डीमन को एकदम क्लासिक तरीके से मारा था तो उसने अपना तगड़ा नाम बना लिया था। और वो करंट जनरेशन का बेस्ट वाटर ब्रीदिंग हशीरा भी है। और नो डाउट वो टेंजेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। ग्यू ग्योतारो और दाकी से लड़ता तो वो बिल्कुल टेंजेंट की तरह विदाउट टाइम वेस्ट करे दाकी का सिर अलग कर देता, और फिर फाइट शुरू होगी ग्योतारो वर्सेस ग्यू की। और ग्योतारो अपने स्लैशिंग अटैक्स और पॉइजन का यूज करेगा, लेकिन ग्यू के पास प्लस पॉइंट है, वो अपने वाटर स्टाइल का यूज करके ग्योतारो के स्लैशिंग अटैक्स को न्यूट्रल कर देगा। और भाई ग्योतारो को तांजिरो ने हराया था, और ग्यू और तांजिरो मिलकर ग्योतारो दाकी को आराम से हरा देंगे। और जो नंबर टू पर है वो है वन ऑफ द वीकेस्ट हशीरा शिनोबू। और ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। भले ही शिनोबू पावरफुल ना हो, लेकिन उसके पास सबसे पावरफुल अटैक है उसका पॉइजन। ग्योतारो की तरह शिनोबू भी पॉइजन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो ग्योतारो और दाकी को अकेले नहीं हरा सकती, क्योंकि दाकी उसके लिए काफी है। और फिर पीछे से आके ग्योतारो उसको मार ही देगा। इसीलिए अगर शिनोबू के साथ तांजिरो ज़ेनित्सु और इनोसुके होंगे तो वो दाकी एंड ग्योतारो को हरा सकती है, वरना वो मारी जाएगी। और नंबर थ्री पर है मिस्ट हशीरा म्यूचिरो, जो कि 2 महीने में हशीरा बन गया था। और भाई उसने अकेले अपने मिस्ट ब्रीथिंग स्टाइल से अपर मून 5 को हरा दिया था। तो क्या वो ग्योतारो और दाकी को हरा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि ग्योतारो के पास सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है उसका पॉइजन। और टेंजेंट की बॉडी तो उसको झेल गई, लेकिन म्यूचिरो की बॉडी उसको नहीं झेल पाएगी, क्योंकि वो फाइट में स्लो हो जाएगा और मर जाएगा। हाँ भाई, म्यूचिरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने अपर मून 5 को भी हराया है, लेकिन वो मरने की हालत में आ गया था। और अगर उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन ना होता तो वो कब का मर चुका होता। और अगर ग्योतारो दाकी की फाइट में उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लिया तो वो उन दोनों से जीत जाएगा, नहीं तो अदरवाइज वो हार जाएगा, क्योंकि उसे दाकी और ग्योतारो दोनों से लड़ना पड़ेगा। और जो नंबर 4 पर है वो तुम्हारी और मेरी फेवरेट हशीरा मित्सुरी है। मित्सुरी की फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है, और उसने अपर मून 5 के साथ भी फाइट करी है, लेकिन वो ग्योतारो को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा लंबी तो चलेगी, लेकिन एट द एंड मित्सुरी हार ही जाएगी। मित्सुरी का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अटैक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और वो डीमंस को ज्यादा हर्ट भी नहीं कर सकती। और यार कौन डीमन उससे ज्यादा हर्ट होना चाहेगा। लेकिन ग्योतारो अपने अटैक लगातार घंटों तक कर सकता है, क्योंकि वो एक डीमन है। एक टाइम पर आकर मित्सुरी थक जाएगी और वो मारी जाएगी। और नंबर 5 पर है ओबनाए, जो कि एक सरपेंट हशीरा है। और एनीमे में अभी तक ओबनाए के बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसने मांगा में जो तबाही मचा रखी है, क्या बताऊं भाई। बंदे ने अपने सरपेंट फॉर्म से मुजान के साथ फाइट कर रखी है। और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में वो टेंजेंट से कहता है कि तुम इतनी स्लो डीमन से इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो सकते हो। भाई इससे हमें साफ साफ ये समझ आता है कि ओबनाए बिना किसी दिक्कत के ग्योतारो और दाकी को आराम से हरा देगा। और अब जो नंबर 6 पर है वो मोस्ट डेंजरस हशीरा है सानेमी, और ये बहुत तगड़ा स्वॉर्ड्समैन भी है। यहाँ तक कि कोकोशिबो ने भी सानेमी की तारीफ करी थी। वो अपनी विंड ब्रीदिंग का यूज करके ग्योतारो और दाकी को आराम से हरा देगा, क्योंकि उसकी हर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से ज्यादा पावरफुल होती है। और तो और उसका ब्लड बहुत ज्यादा प्योर है, वो डीमंस को पागल सा कर देता अगर उसका ब्लड डीमंस ने सूंघ लिया तो। और ग्योतारो के पॉइजन का सानेमी पर कोई असर भी नहीं होगा, तो वो अपने स्पीड और स्ट्रेंथ से ग्योतारो को बड़े आराम से हरा देगा। और जो नंबर 7 पर है वो है करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रांगेस्ट हशीरा ग्योमी। यार मुझे लगता है अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ग्योमी की फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है ग्योतारो और दाकी के लिए। यहाँ तक कि कोकोशिबो ने खुद कही थी पिछले 300 सालों में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मैंने नहीं देखा। और ग्योमी अंधा भी है, लेकिन उसके सुनने की पावर्स एकदम पीक पर हैं। और टेंजेंट ने अपने साउंड ब्रीथिंग की मदद से ग्योतारो के सारे पैटर्न्स को समझ लिया था। इसके हिसाब से ग्योमी एक बार में ग्योतारो के सारे पैटर्न को समझ जाएगा और ग्योतारो के सारे अटैक्स को एक बार में ही न्यूट्रल कर देगा। और ग्योतारो के पास फिर भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। अगर वो फाइट करेगा तो बहुत बुरा मारा जाएगा। और जो नंबर 8 पर है वो तुम्हारा मेरा और सबका फेवरेट रेंगोकू है, जो कि मर चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं रेंगोकू वर्सेस ग्योतारो एंड दाकी में फाइट हो तो कौन जीतेगा। रेंगोकू ने अकाजा से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और अकाजा को बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी, लेकिन अकाजा ने अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करा था। और अगर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर लेता तो रेंगोकू बहुत जल्दी मारा जाता, और अगर ग्योतारो का पॉइजन रेंगोकू पर लगता तो रेंगोकू बहुत जल्दी मर जाता शायद, क्योंकि रेंगोकू के पास पॉइजन को रोकने की एबिलिटी नहीं है, तो शायद रेंगोकू मर जाता। तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।